जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी तो सुख धाम राम यस नामा ओ अखिल लोकदायक विश्राम विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई जाके सुमिरन तीर पुनासा और नाम शत्रुघ्न वीर प्रकाश लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखे हूँ लक्ष्मण नाम उदार नाम कर्ण हो गया और बड़ी हुई बोले गुरु जी के यहाँ पढ़ने को भेज दो तो गुरु थोड़े समय में ही विद्या को प्राप्त कर लिया। इधर में पता चल गया विश्वामित्र को, अब चलते हैं विश्वामित्र की ओर, क्योंकि ये यज्ञ करते तो सुवाऊ मारीच यज्ञ करने नहीं देते। विश्वामित्र को पता चल गया कि भगवान का अवतार हो गया है, मांग लाऊ। विश्वामित्र आए महाराजा दशरथ के यहाँ महल में, और इधर में क्या हो रहा था महल में? जब आए महल में क्या देखा? महल में तो बधाई गवे रही कि जन्मे है चारो भैया अवधो में बाजे बधैया, जन्मे चारो भैया अवध में बाजे
विश्वामित्र आए, विश्वामित्र का स्वागत किया महाराजा दशरथ ने। उठ आइए यज्ञ कर हो मुनि यज्ञ करो मुनि राजी, राक्षस को हम मारन आ रहे, उन्हीं तो हम प्रकट आए, हमारा प्राकृत निशाचरों को मारने हुआ है, तुम यज्ञ करो। जैसे ही विश्वामित्र ने यज्ञ की आहुति दी, स्वाहा बोली, स्वभाव मारीच दोनों आ गए। भगवान ने क्या किया, स्वभाव को तो मार दिया, मारीच का क्या किया, के बिनु परबाण राम ते मारा, राम ते मारा, सतयोजन का मार से समुद्र से पार फेंक दे। विश्वामित्र की यज्ञ संपन्न हुई, यहाँ थोड़ा सा विराम, उसके बाद में पुनः कथा। अब जलपान कर लो भैया, आज थोड़ा समय कुछ ज्यादा भी हो। महारानी रानी बने पारो पारो जमुना की रोपानी लागे, अरे सीता रामती की प्यारी रजवानी लागे, रजवानी लागे मन सहरी उतो मीठो मीठो पानी लागे, सहरी उतो मीठो मीठो पानी लागे। Thank you.
विश्वामित्र की जय करो I'm gonna make it.
जबलपुर में मेला लग रहा था और राम लक्ष्मण चल दिए पहुंचे कह के लिए पुष्प लेने गए थे पूजा के लिए बगीचे के पास में पहुंच गए। कुछ सखियां बाहर खड़ी थी। अब देखिए भाव समझना, यहाँ सखियां खड़ी, राम जी विचार करती बगीचा में घुस तो सकते ही ना बगैर किसी की आज्ञा के। अब मैं पहरेदार कोई सखियां ही खड़ी, क्यों जनाना बगीचा था जानकी जी का। अब राम जी विचार करती है जब बगिया में कैसे जाए, इनकी पूछनी पड़ेगी नहीं पहले। अरे सहेलियों हम पुष्प लेने आए, फूल लेने दो, मने कर दिया, अन्न नहीं जाने देंगे, क्यों ये हमारी जानकी जी को बगीचा, हमारी जानकी की जय बोल दोगे और अंदर चले जाओ, जानकी की जय बोलो बोलो बोलो। राम जी बोले खाए भैया लक्ष्मण बोल दूंगा। लक्ष्मण जी ने कही भैया बात भगत जागी, जानकी जी की जय बोले। सखी बोली है तो जय बोलनी पड़ेगी तभी बगीचा में परमिश मिलेगा। राम जी बोले खाए भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण जी के भैया तुम जानो। राम जी बोले लक्ष्मण है तो जय बोलनी पड़ेगी। राम जी बोले जनक नंदिनी की जय, नंदिनी की जय, नंदिनी की जय, नंदिनी की जय। नंदिनी तो वशिष्ठ की गाय को नाम है, जनक नंदिनी बोलो। राम जी बोले अब जी बात पड़ेगी। फिर राम जी बोले ठीक है तो जनक नंदिनी, जनक नंदिनी कहा तो बोले नहीं रे, कहा तो बोल दो, चलो अब परमिशन दे दू, अब नहीं दे, अब का परेशानी है। तो सहेली बोली बगिया बीच जानन दई है राघव विनती सुनो, बगिया बीच जानन दई है ओ राघव विनती सुनो, बगिया बीच जानन दई है राघव विनती सुनो, बगिया राजकुमार आए बगिया और ऐसे मानो तो सूर्य और चंद्रमा। जानकी जी के मन में आ गई तो कहा बोली सखी कि बहोरी गौर कर ध्यान धरे हूं, भूपक सोर देख किन, तुम गिरजा जी का स्मरण कर लो और तुम देख लो। जानकी जी को मन नहीं मान, जानकी देखने को गई। अब देखिए यहां क्या बात होती है, जानकी जी देखने को गई, जो जानकी जी की निगाह पड़ी राम जी की ओर और राम जी की निगाह पड़ी जानकी जी की ओर, तो क्या हुआ कि चार मिले, अब अर्थ समझना, चार मिले चौसठ खिले बीस रहे कर जोर, प्रेमी से प्रेमी मिले तो पुलके साठ करोड़, चार मिले
दो नेत्र राम जी की, दो जानकी की, चारों मिल गए। 64 खिले, एक मुंह में कहता तो होते 32। तभी तो कहते कि 32 शरीर तोड़ा रहे हो तो शांत रहिए। 32 दांत खुशी हो गई, बितमती जानकी हंस गई, इतने राम जी हंस गए, खिले 32 खिल गए। 20 रहे कमजोर, इतने राम जी हाथ जोड़ रहे, बितमती जानकी जी जोड़ रही। 20 रहे कमजोर, प्रेमी से प्रेमी मिले तो पुल के 60 करोड़ या शरीर में 30 करोड़ रोम होते हैं, एक शरीर में 60 करोड़ रोम प्रसन्न हो। अब क्या हुआ, चार चित्र भी तय लिख ली ली जानकी जी ने, राम जी की झांकी को हृदय में धारण कर लिया। ये जनकी कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, चलो जल्दी चलो। पूजा के पुष्प लेके गुरु जी की जब पहुंच गए, गुरु जी ये पुष्प लेकर पूजा के लिए धनुष यज्ञ की प्रथा रच रहे। जानकी जी पहुंची कहां, गिरिजा जी के बगीचे में, और गिरिजा जी की प्रार्थना करने लगे कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सरानन माता, और जगत जननी दामिनी दुति गाता, भव भव विभव पराव भव कारिणी, विश्व विमोहन स्वभ सुधिहारिणी, नहीं तब आदि मध्य यमसाना, ओ अमित प्रभाव वेद नहीं। राघवेंद्र सरकार की, धनुष तोड़ दिया। अब परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, धनुष की गर्जना आवाज पहुंच गई, समाधि भंग हुई। क्या कहा, नव गूंज गया नव मंडल में, घनघोर वसा तल फूट गया, बन में मृग सिंह दहाड़ उठे, करती तल का जग टूट गया, बस समझ लिया मिथिलापुर में शिव चाप तलातल। परशुराम जी समझ गए, धनुष टूट गया। परशुराम जी आए और आते ही ऋषि मुनि जो राजा बैठे थे, प्रणाम कर मिल गए, दमन देना चालू। विश्वामित्र ने राम जी को सामने किया, आशीर्वाद दे दिया, लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, जानकी को भी आशीर्वाद दे दिया। जब आशीर्वाद दिया और जो देखे धनुष के टुकड़े, और इधर में जयमाला लिए जानकी खड़ी हुई थी, तो जयमाला लिए जब खड़ी थी उस वक्त तो जयमाला पहनाने को तैयार हुई, खलबली तो मची रही पर जयमाला तो जरूरी थी। सहेलियों को लेकर जानकी जी जयमाला पहनाने आई तो क्या बोले सखी साथ में, राम जी बड़े दूल्हा बन गए, जब दूल्हा बन गए तो गर्दन ऊपर वो कर ले, अब जयमाला कैसे पहनाए। तो सहेली बोली, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी
दूल्हा बन गए। जानकी जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, लक्ष्मण जी कछु उपाय करो। लक्ष्मण जी बोले फट नीचे को करता हूं तो पूरी धरती नीचे को होगी। लक्ष्मण जी ने चरणों में प्रणाम किया और राम जी झुके, जानकी जी ने माला पहना दी। अब परशुराम जी ने जो देखा धनुष के टुकड़े, तो क्या बोले जनक, ये क्या किया, किसने तोड़े? राम जी आ गए। प्रभु आपका कोई सेवक होगा धनुष तोड़ने वाला? तो अच्छा, सेवक तो सेवा करता है, उत्तेजना थोड़ी करता है। लक्ष्मण ने कहा प्रभु बहुधन भी तो रे लड़काई कब नया सर सकीन गुसाई मुकते तोड़े पहले तब ऐसी गुस्सा नहीं जानने के सिर्फ धनुष पर। हे लक्ष्मण, तू क्या मुझको नौता खाने वाला ब्राह्मण समझता है? शुक्ला जी कहे के वैसे ही समझ, आए मैं प्रसव हाथ में ले ले वैसे ही समझता है नौता खाने वाला। हाँ महाराज वैसे ही रसगुल्ला खाए हुए तुम को कहे बहुत प्रसंग हुआ। अंत में भगवान राम ने कहा कि तुम तो परशुराम, हम अकेले राम कैसे बराबरी कर सकते हैं? परशुराम को भी अचंबा होने लगा तो प्रभु एक कम कमरो राम रमा पद कर धन ले चहु चाप मिटे सन देहू तो लीत चाप आप चढ़ गयू और परशुराम मन विस्मय अपने आप चढ़ गया चले गए। इधर में अब महाराजा जनक ने पत्र भेज दिया दशरथ के अवध में बरात लेके आ जाए। महाराजा अवध में जनकपुर में बरात लेके आई। इधर चार भाई हैं, इधर में चार कन्या हैं। बरात आ गई तो देखिए इधर में रिद्धि सिद्धियों को बुला लिया जानकी जी ने। रिद्धि सिद्धियों ने बरात का स्वागत किया, भंडार भर गए, पूरी व्यवस्था रिद्धि सिद्धियों ने ही जनकपुर में कर दी। श्री राम जय राम जय जय दे दिया। मंडप के नीचे चार दुल्हन और चार दूल्हा। तो देखिए जनक की तो सीता जी थी, शीलक ध्वज की उर्मिला, ये चारों राजाओं की कन्या थी। चारों शीलक ध्वज की उर्मिला, कुशक ध्वज की मांडवी, कुसेन की सुतकीर्ति। ये कथा काल में हरिवंश पुराण में चार कर दिया। चारों भाई राम लक्ष्मण भरत और विवाह की रीति से विवाह होने लगा। कन्यादान किया तो कन्यादान करते वक्त प्रार्थना करते हैं क्या कि बारिश पिलायो दूध पानी मरे श्रम से शत्रु शिरैया मम प्राण से प्यारी है मेवा मिष्ठान लाए माखन मिठाई को प्रेम से खवाई रोज रोज अधिकाई शैल भरी कोमल कुमारी सुकुमारी तीनों मात पितु भ्रातन के प्राण से
प्यारी है, वो दीनी है सुसोपी तुम्हें, सेवा है तो कन्या हमने राखियो, सप्रेम यही बिनती हमारी है। कन्यादान कर दिया। इधर भी कुंभवर की लीला होती है, आज भी होती है, आज भी दूल्हा के जूता चुराए जाते हैं। ये पेल्टी चलवाई गई जी, जानकी जी की सहेलियों ने राम जी की खड़ाओं की चोरी की। लक्ष्मण जी कहा, बोले भैया मैं कह दूं, कह दे चलो हमारे कुल में तो ऐसा होते खीर खा दे तब होते, और तुम्हारे कुल में कि ना होड़ से होती ना भाग के मोड़ से होती, राला जनकपुरी में चोरी धरती फोड़ के होती, लाला जनकपुरी में चोरी धरती फोड़ के होती, लाला जनकपुरी में चोरी धरती फोड़ के होती। हमारे कुले में तो खीर खावे तब 9 महीना बीच हो गए, तुम्हारे तो खेतन में बही रही है, हर सलाह वो निकल आवे, आप उसमें देख लो होंगे। विदा को समय आयो, चलो विदा करें, बहुत दिन आए गई बरात, विदा है भी को मन ही नहीं हुई, तो कही महाराज के जन के महाराज अब तो विदा कर, बहुत समय है गए। देखिए एक घर से एक डोली उठ ली है तो माता पिता को कितना कष्ट होता है, और जिस घर से चार डोली उठे कितना कष्ट होगा, चार डोली कन्या की उठी आंखों से आंसू की धार, जिसने कन्या धन जना नहीं बेटी की विदा ही क्या जाने, जिसने कन्या धन जना नहीं बेटी की विदा ही क्या जाने, जिसने कन्या धन जना
जिसने न्यायधन जना नहीं, जनक राज की दरबार से चार डोली उठी, महाराज को कितना कष्ट विदाई कर दी। चार दुल्हन पहुंची, एक ओर होता है दुख, एक ओर होती है खुशी। बहू जिस जगह पहुंचती है वहां खुशी होती है। अब यहां समझिए, नाम तो औरू हती, उस घाट पे एक ही नाम नहीं। जब भरत जी गए एक ही बार, एक ही खेमा में सब चरण में जादू है। अहिल्या पत्थर की शिला नारी बन गई, और मेरी नाव कहीं नारी बन गई तो महाराज मुंह पे तो यही रोजगार है, मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक बात नहीं कह दूं, कहा महाराज को जी थोड़ी दूर को घाट दिख रहे, मैं घोटू घोटू पानी लेकर जाओ, नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर त्रिलोकी के नाथ तुम तो चाहे जैसे निकल सके, तो एक पांव जावगा रवि, एक पांव बावगा। तुमने कहा दिल लग रही है, अरे बामन बन के दो पानी में त्रिलोकी ना बने तो जी गंगा मैया तुम्हारे लिए कहा करेगी। भगवान एक ही जात के दो लक्ष्मण जी गुस्सा आ गए, एक जात के कैसे? राम जी बोले जी सही कह रहा हूं, लक्ष्मण शांत की
पार किया, केवट ने प्रणाम किया, केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु सकुचे ये नहीं कछु दीना। प्रणाम किया भगवान, समझ गई जा कछु दयो नाने ताते प्रणाम कर। तो पिय ही अकी सिय जा निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अब जी मन की मुदरी कोई, इसे भी समझो, जब जानकी जी को विवाह भयो तब ले नहीं आगे कौआ को पड़े वचन में बांध दिया। प्रभु राम लक्ष्मण जानकी आगे चले, पंचवटी पर पहुंचे, पंचवटी पर पहुंची, वहां पांच वृक्ष थे, पाकर जम्बु रसाल तमारा, पांच तरह के वृक्ष खड़ी हुई थी, पंडकुटी बनी। अब लीला यहां से चालू होती, अभी तक नहीं थी, क्यों? लक्ष्मण जी गए पुष्प लेने, तब तक राम जी ने जानकी जी से कही कि जब तक कर। अब लीला यहां से चालू होती है, लक्ष्मण हुई है मर मर जाना, और जो कुछ चरित्र रचा लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए। आ गए पुष्प लेके, जानकी जी को अग्नि में स्थापित किया, छाया की जानकी बनाई। इधर में शूर्पणखा चली आई, और शूर्पणखा आई क्यों, वो क्यों आई, इसका प्रण था। शूर्पणखा के पति को किसने मारा, रावण ने। इसने प्रण किया कि रावण मैं भी तेरे कुल का विनाश करके छोड़ूंगी, इसलिए राम जी की जय। तो क्या कहा कि तुम सम पुरुष ने मोह सम नावरी, ते ये संयोग विधि रचा बिचारी, तुम्हारे समान समान बराबर की। राम जी का भी कर्म था कि निश्चरहीन कहूं मैं भुज उठाय प्रण, और सुपर खा को यही प्रण रावण मैं तेरे कुल का विनाश, एक ही प्रण था दोनों का, इसलिए सम्मान बराबरी के, दोनों बराबरी की। सुपर खा ने कही विवाह कर लो, राम जी ने मने किया, लक्ष्मण की ओर कर दिया, लक्ष्मण तुम हनुमान जी से जैसे कहा सुन सुत भयो पर्वताकार, बड़ा विशाल रूप बनाया। और क्या बोले हनुमान जी, कह रहे राम राम राम। जानकी जी की निगाह पड़ी, राम कहने वाला कौन, भैया नीचे क्यों ना आवत, मुद्र का अंगूठी डाल दी। जानकी जी ने मुदरी दिखी, चकित चित्त मुदरी पहचानी, वो हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, क्यों जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असरच नहीं। हनुमान जी सामने आ गए, माँ यह मुद्र का माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम के सहो धनी। मैं आया हूँ पूरी बात नहीं, तो कि नरमान संग भाई कैसे कई कथा भाई संगत, वो भी वर्णन कर दिया। अब हनुमान जी की निगाह पड़ी फलों पे, अब हिमा तुम अतिशय भूखा, लागे देख सुंदर फल धूका। तो जानकी का सुन सुत करे पिपन रखुमारी, सुबट महारजनी चर भर। बड़े बन गए, विशाल बन गए, इनका डर नहीं है भैया, माने आशीर्वाद दे दिया कि अजर अमर गुण निधि सो। Oh,
नहीं गई फल खाई बगीचा उजाड़ा। अक्षय कुमार को मारा, निशाचरों को मारा, कछु मारे कछु मर्द से कछु मने धर दूर और कछु पुण जाए पुकार हो ये मरकट पर भूल मारी पहुंच गए। उधर में मेघनाथ आया, ब्रह्म पास में बाधा, रावण की हाले गए, बोले मारो विभीषण जी आ गए, मारो मत मत कब की ममता पूछ में तुझे कहा समझाए और तेल मोरे पर बांध पर पावक देव अगर ही लगा दो। पूछ में आग लगाई, हनुमान जी ने लंका जलाई, लंका जली तो आवाज आई क्या वही ना जली तू कौन कमे शनि दे नीचे दबाऊ कारी नहीं होगी तो दबो नहीं मारी जाएगी। उलट पुलट लंका समझारी कूद पड़ा पर सिंधु समुद्र से पूरे पसीना आया उसने मछली पी गई जिससे मकर ध्वज का जन्म हुआ। जानकी जी के सामने मैया जैसे राम जी ने अंगूठी दी तैसे तुम दे दो चूड़ा मरे उतार दे दयो हर्ष समेत पवन सुत लयो। राम जी के यहाँ पहुंच गए, राम जी को पूरा समाचार बता दिया, प्रभु तैयारी करो लड़ने की। राम जी ने दल की तैयारी की, बोले समुद्र तो है, समुद्र के किनारे रामेश्वर की स्थापना की, नलनील के द्वारा पुल बनाया, लंका पर चढ़ाई की, घमासान युद्ध मेघनाथ से हुआ, पहली बार शक्ति लगी लक्ष्मण जी को जिसमें संजीवनी लाके हनुमान ने प्राण बचाए लक्ष्मण के, दोबारा मेघनाथ को भी मार दिया, कुंभकर्ण को मारा, बड़े बड़े निशाचर धराशायी हो गए, रह गया अकेला और रावण। भगवान राम और रावण से युद्ध हुआ जिसमें जब राम के बाण दे सिर कट जाए फिर जुड़ जाए। विभीषण ने कहा राम कुंड पीयूष बस या कि अमृत का कुंड है महाराज अभी नहीं बाण दो। एक और बात थी यही के हृदय बस जानकी, इसके हृदय में जानकी का बात है, जब जानकी दुख मनाएगी तब रावण मरेगा। उधर जानकी जी ने दुख मनाया, राम जी ने अग्नि बाण दिया, अमृत कुंड को सूख लिया, रावण का वध कर दिया, रावण का वध हुआ। इधर बच्चे ही नहीं होंगे, वसुदेव ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, कंस तुझे भय है तो इससे बालक से देवकी से तो नहीं, मैं वचन देता हूं इसके जो भी बालक होंगे वो मैं तुझे देता जाऊंगा। फिर भी नहीं माना, वापस ले गया और एक जेल में बंद कर दिया वसुदेव और देवकी को, कारागृह में बंद कर दिया। बंद किया प्रथम बालक हुआ वसुदेव, प्रथम बालक को लेके कंस के दरबार में। कंस का बेटा तो काल आठवां दर में, ये तो पहला है। नारद जी ने सोची पाप का गड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा कैसे। नारद जी बीड़ा लेके आ गए कंस के दरबार में, महाराज ये क्या किया, इस बालक को क्यों वापस कर दिया, क्यों हो सकता है ये काल हो। कमल का पुष्प उठाया और पंखुड़ी गिरा दी, देख ये आठवीं ये आठवीं ये आठवीं सब आठवीं वापिस बुला लो। और वापिस बुलाया, एक एक करके छह बालक देवकी के खत्म कर दिए। सातवें गर्भ में बलदाऊ आए, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया सातवें गर्भ में बलदाऊ है, सातवें गर्भ को खींच के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और आठवें गर्भ में मैं स्वयं आऊंगा, तुम गोकुल में यशोदा की यहां लाली बनोगी, मैं यहां जन्म लूंगा, वसुदेव मुझे मथुरा से लेके जाएंगे, तुम्हें गोकुल तुम्हें यहां मथुरा में लाएंगे, गोकुल लेके जाएंगे, गोकुल से तुम्हें मथुरा ले आएंगे, पापी कंस तुम्हें मारेगा, तुम आकाश में उड़ जाओगी और अष्टभुजा दुर्गा बन जाओगी, मेरे इस काम को करो, योग माया को भगवान ने आदेश दिया, योग माया ने वही किया। सातवां गर्भ देवकी का खींच के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। आठवें गर्भ में भगवान आ गए, आठवें गर्भ में देवकी के में भगवान आए तो कारागृह में भी उजाला हो गया, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में भेड़ियां हैं, वसुदेव और देवकी पहरेदार खड़े हुए हैं दरवाजे पर, शिंगिन पहरे लगा दी है कंस ने, कोई अंदर जा भी नहीं।
साथ में गर्भ में भगवान आए तो गर्भस्थ शिशु की स्तुति करने लगे सभी देवताओं के गोविंद दामो दरमोदी मंदार मूले मदना विराम दिम्बा धरापी ऋतु भेड़ु नादम गो भगोपी जन्मादिशम्यम कृष्णम भयो कुल पूर्ण चंद्रम सुगोविंद दामो दरमाधुभीति ओहि कृष्ण हि या दबुहि सखीति। गर्भ में स्तुति करने लगे हे प्रभु हे भक्तोशल आपकी जय। भादों की आदि रात घनघोर अंधेरी बादल बरस रहे थे, घनघोर वर्षा हो रही थी, अंधेरी रात था। रात के 12 बजे क्या देखा, भगवान का उस कारागृह में प्राकट्य हुआ। जब प्राकट्य हुआ तो वसुदेव देव की घबरा तो कहती है देवकी लाला
वसुदेव ने वही किया। छबरा में दल में पहरेदार सो गई, फाटक खुल गई, हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ियां अपने आप चट चट टूट गई और छबरा में लेके चल दिए। कहां के लिए? गोकुल। यशोदा मैया के बगल में लाली सो गई, वसुदेव ने लाला को स्वागत और लाली उठाई और लेके जैसी आए कारागृह में आई, अंदर गई, फिर हाथों में हथकड़ी पड़ गई, पैरों में भेड़िया पड़ गई, पहरेदार बैठे गए और रोने की आवाज आई। अच्छा बहन थोड़ी दिक्कत पड़ाई दरवाजे। राम जी ने नीचे दिया, आकाश को उड़ी और अष्टभुजा दुर्गा बन गई। प्रकार ये दोस्तों तेरे मारने वाला तो गोकुल में इसी दिन से दुर्गा का प्राकट्य हुआ। आकाश में पूजा दुर्गा और दुर्गा ने कह दिया दोस्त पापी तेरी मारने वाला जय बाल कृष्ण भगवान। आराम से आराम से आराम से। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा
आरती की तैयारी भैया अवधेश भैया आरती की तैयारी और देखिए कल की कथा में कल माखन चोरी लीला और भगवान ने ब्रज में जो लीलाएं की है कल गोवर्धन लीला भी कल होगी गोवर्धन पूजा को दूध दही लाना माखन चोरी के लिए दूध दही लाना मिश्री लाना टापे बन जाए देती है 100 ग्राम से लेकर एक बोरी तक और दूध दही भैया एक गिलास अति लेकर और तबेड़ी का गरा जो भर के आ जाती थी कल दूध दही की कीच बचना चाहिए गोवर्धन की पूजा भी होगी कुरकुरे भरबुले और पुआ भी बना लेना पापड़ भी भूज लेना कल गोवर्धन की पूजा होगी क्योंकि 36 तरह के व्यंजन बने थे गोवर्धन की पूजा के लिए आरती नीचे से हो जाएगी नीचे से सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाए I'm gonna go to the hospital.
हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, श्रोताओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाए। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। एक भेड़ देख कर नारियल जी धरे, मीठो ले लो। फोटो खींच ले भैया, ले लिया फोटो खींच ले बेटा। अच्छी तरह से बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। साक्षात भगवान आ गए। जिले जिले